हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, दिस इज करिश्मा एंड टुडे आई एम हेयर विद अ रिव्यू वीडियो। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ शुगर के फाउंडेशन स्टिक का, जिसको हम पेन स्टिक भी बोलते हैं, और उसका नाम है एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे मैं आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे आपको हेल्प मिलेगी सही प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए, सही शेड को चूज़ करने के लिए। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो शुगर की पेन स्टिक है वो कुछ इस टाइप की दिखती है, इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स में आता है ये। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का पेपर का बॉक्स भी होता है, पेपर या फिर कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है। तो फिलहाल वो तो नहीं है मेरे पास, बाकी ये इस टाइप का पैकेजिंग आती है, प्लास्टिक पैकेजिंग। इसके साथ ये एक ब्रश भी प्रोवाइड किया जाता है और एक साइड में इसमें ब्रश है, एक साइड में ये इस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ इतना आता है, इतना क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटी आती है। तो ये जो मेरे पास पेन स्टिक है या फिर जो फाउंडेशन स्टिक है, ये है शेड नंबर 37 फ्रेडो, और इसमें लिखा हुआ है मेड इन कोरिया। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो इसको मैं ट्राई करूँगी, अभी मैंने मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, तो मैं एक मतलब मॉइस्चराइज़र भी नहीं है, तो पहले मैं मॉइस्चराइज करूँगी और फिर एक साइड में प्राइमर लगा के इसको अप्लाई करूँगी और एक साइड बिना प्राइमर के, और मैं इसी ब्रश का यूज़ करूँगी ब्लेंडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा ये वर्क करता है। ओके, सो मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। मैं यहाँ पर वाव का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। हमारे फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और मेकअप के पहले तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा फेस प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, और जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो केकी हो सकता है, जो कि लोगों को अलग से ही दिखने लगता है, फेस पर फाइन लाइंस बनने लगती है। इसलिए हमारे फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद फेस को 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रहने दें, ताकि अच्छे से हमारी स्किन मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्राइमर। तो प्राइमर मैं अपने एक स्किन पर एक ही साइड यूज़ करूँगी, और ये मेरा इनसाइड का प्राइमर है। ये मैं स्किन के एक साइड पर इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फाउंडेशन बिना प्राइमर के किस तरीके से दिखता है और प्राइमर के साथ किस तरीके से दिखता है। प्राइमर हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। वैसे तो इसे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं, पर मेरी स्किन टेक्सचर्ड है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करती हूँ, ताकि वो स्किन को स्मूथ कर दे और जिससे कि फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो स्किन पर। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम उसे 2 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। मेरी स्किन पर एक्ने के बहुत सारे मार्क्स हैं, देख सकते हैं मेरी स्किन के इस एरिया पर एक्ने के मार्क्स ने कवर किया हुआ है, और दूसरे साइड भी एक्ने के मार्क्स बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत डार्क नहीं है क्योंकि मैं उसका ट्रीटमेंट करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो विजिबल है। हम चेक करेंगे कि जो फाउंडेशन स्टिक है वो अच्छे से इन मार्क्स को कवर कर पाती है कि नहीं। अब मैं अप्लाई करूँगी, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो मैं सिर्फ टच कर रही हूँ, और मुझे लगता है मैंने चीक्स एरिया पे थोड़ा कम लगाया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी चीक्स एरिया पर। फाउंडेशन लगाने के बाद अब मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और मैं ब्लेंडिंग के लिए उसी में जो ब्रश प्रोवाइड किया गया है उसी ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। ब्लेंड करना इसे बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और इसका कवरेज भी बहुत हाई है। ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है पूरे स्किन पर। इसका ब्रश थोड़ा सा हार्ड है तो मुझे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन बाकी फाउंडेशन देखा जाए कि क्वालिटी उसकी तो बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ,
मैंने इसे अपने आई एरिया पे नहीं लगाया था, लेकिन अगर ये कंसीलर का भी काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही थिक फाउंडेशन है तो इजीली आपके सारे डार्क सर्कल्स को भी कंसील कर सकता है। मैंने अपने फेस के एक साइड पर फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगा लिया है और आप देख सकते हो कि इसने मेरे पूरे एक्ने मार्क्स को हाइड कर दिया है। मतलब कुछ भी लग ही नहीं रहा है कि पहले वहाँ पर कोई मार्क्स था। और दूसरे साइड पर अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है तो वहाँ पर अभी भी मार्क्स विजिबल हैं। चलिए तो अब हम स्किन के फेस के नेक्स्ट साइड पर भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। हम बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे, जस्ट एक टच कर रही हूँ मैं पूरे फेस पर। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इस बार मैंने अपनी आईज के ऊपर भी लगाया है और अब मैं उसे ब्लेंड करूँगी उसी ब्रश की हेल्प से। इसे अप्लाई करना इतना इजी लग रहा था, जस्ट लाइक अ फन गेम। मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी, जो मैंने पार्टीशन किया था उसे भी स्मच कर दूंगी, नहीं तो फेस में एक पार्टीशन लाइन दिखेगी। फाउंडेशन स्टिक लगाने के बाद इस तरीके का कुछ फाइनल लुक दिखता है। मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था, इसलिए सिर्फ फेस पर लगाया था। आप इसको इवनली नेक पर और ईयर्स पर पूरी तरीके से लगाएं अगर आप कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं तो। ये जो मैंने स्टिक ख़रीदा था ये एक्चुअली मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा था, एक्चुअली 999 रुपीज़ का। और इसके साथ मुझे एक लिपस्टिक भी फ्री मिली थी। ये लिपस्टिक है शेड नंबर 37 हॉट एप्रिकॉट, स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है। ये मुझे इसके साथ फ्री आई थी इसके साथ। वैसे तो अभी करंट का प्राइस आप चेक कर सकते हो, ये शुगर की वेबसाइट से ख़रीदा था। और आप इसमें शुगर की जो वेबसाइट पर है और भी बहुत सारे उस पर अलग अलग ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हो, कुछ भी फ्री आ सकता है। मतलब जिस टाइम मैंने खरीदी थी उस टाइम पर ये लिपस्टिक फ्री आई थी। तो चलिए अब हम इस लिपस्टिक को ट्राई करते हैं। अभी मैंने कुछ भी अपने लिप्स पर नहीं लगाया हुआ है। ये लिपस्टिक का इस टाइप का कुछ कलर है, कितना प्यारा कलर है उसका। ये देखो आप, वन बार जब मैं स्लाइड कर रही हूँ एक बार में कितना अच्छा कलर आ रहा है उसका। मुझे तो ये लिपस्टिक का शेड बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों फाउंडेशन और लिपस्टिक दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरे लुक को भी कंप्लीट कर दिया है। ये फाउंडेशन लगाने के बाद आप इसको किसी भी पाउडर से बेक कर सकते हैं। मतलब बेक करने के बाद बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप स्किप करें बेक करने वाला प्रोग्राम। अब हम इसके कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। मतलब एक्चुअली में प्रोज और कॉन्स नहीं है, क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे नहीं अच्छा लगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये बहुत ही क्रीमी है तो इजीली ब्लेंड होता है और बहुत ही लिटिल क्वांटिटी का दे आप। मतलब मैं सिर्फ ऐसा टच कर रही थी और तो बहुत ही लिटिल क्वांटिटी का रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा फुल कवरेज और हाई कवरेज देता है। यहाँ पे मैंने आपको अपने मार्क्स भी दिखाए थे, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक जैसा हो गया। और ये मैट फिनिश देता है, लेकिन मैट फिनिश देता है लेकिन उसके साथ ये रहता है कि एकदम केकी नहीं करता है उसको, उसमें थोड़ा थोड़ा ग्लो भी दिखता है। तो ये इसका बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि ये सभी स्किन टाइप के लिए अच्छा है। मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप सभी स्किन के साथ ये जाएगा, सभी स्किन टाइप के साथ ये जाएगा। और सभी चीज़ अच्छी लगी मुझे इसकी। बस इसका ये जो ब्रश इसके साथ प्रोवाइड किया है ये थोड़ा सा हार्ड है। मतलब आपको बहुत ईजीली आप उसको ब्लेंड इससे नहीं कर पा रहे, लेकिन वैसे आप अगर अपने किसी ब्रश से करते हो तो बहुत ईजीली ब्लेंड होता है वो। तो बाकी सब तो बढ़िया है इसमें, बस इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, मिनिमम 8 आवर्स तो ये वर्क करता है। मतलब लगता है कि हाँ कुछ लगा हुआ है, कोई टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। ओवरऑल बोला जाए तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, अच्छा वर्क करता है। तो आप इसको खरीद सकते हैं किसी भी शादी पार्टीज़ में यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और अपने शेड का खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे ये मेरे शेड के साथ जा रहा है, मतलब मेरे स्किन टोन के साथ, लेकिन शेड नंबर 32 जो है, जिसका
नाम मुझे याद नहीं है, हाँ 32 शेड नंबर है वो भी। मतलब अगर आपका मुझसे थोड़ा सा लाइट कलर है तो आप उस शेड को भी चेक कर सकते हैं, वो शेड भी आपके स्किन टोन के साथ जाएगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक और शुगर की पेन स्टिक। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक्स गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग।